के मंत्री बनने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। चिराग पासवान ने भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है, साथ ही ये अपने दायित्व का निर्वहन को लेकर उन्होंने भरोसा दिया। चिराग पासवान से जो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आए हैं, चिराग क्या आपका एजेंडा रहेगा आने वाले दिनों में? कैबिनेट मंत्री बने हैं, मंत्री बने और सीधे कैबिनेट मंत्री बने हैं, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई खुशी या सिर्फ जश्न बनाने का नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पद आता है। ऐसे में जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जताया है उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाऊंगा, ये विश्वास जरूर दिला। परिवार टूटा, पार्टी टूटी, आप अकेले सांसद बचे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने भरोसा, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, आपको 5 सीटें मिली, पांचों के पांचों जीत करके आए, ये कितना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और काम करने में आगे कितनी मदद मिलेगी? स्वाभाविक है, जब परिणाम अच्छे होते हैं तो हर किसी का मनोबल बढ़ता है। इसी में ही नहीं, स्कूल में भी परीक्षा आप दें और परिणाम अच्छे आए या कोई मैच हो 100% स्ट्राइक रेट आपका हो जाए, उससे बेहतर क्या होगा। तो ऐसे में खुशी है इस बात की कि हम लोग की मेहनत रंग लाई, बट हाँ, यहाँ से जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान है, कैबिनेट मंत्री का शपथ लेने के बाद पहुंचे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ मितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने पर नरेंद्र मोदी के लिए राजधानी रांची में जश्न देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संजय सेठ और मोदी कार्यकाल की तारीफ करते हुए जमकर आतिशबाजी की। देखिए जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है। तीसरी बार शपथ ग्रहण के साथ रांची में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न में पूरी तरह से सराबोर हैं। यहाँ जो इलाका है, इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये सांसद संजय सेठ का क्षेत्र भी कहा जाता है। इस इलाके में कुछ दूरी पर अगर आप आगे बढ़ें तो उनका आवास भी है और यहाँ वो जश्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये क्षण ही बहुत खास है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, आज डबल खुशी है। एकदम देश के मजबूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ ले रहे हैं और उनके साथ ये भी खुशी है कि झारखंड में रांची के सांसद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, साथ में कोडरमा के अन्नपूर्णा देवी जी को भी, क्योंकि मोदी जी को झारखंड से व्यक्तिगत लगाव भी है और इसे हम हर्ष का है, खुशी का विषय है कि मोदी जी झारखंड के बारे चिंता किए। बिजनरी नेता है और हमारे सांसद महोदय के कारण रांची का विकास हो रहा है। देश भर में इस तरह की तस्वीरें इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली, वैसे ही हाजीपुर में LJP RV कार्यकर्ताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाई और लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां LJP RV के कार्यकर्ताओं, समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये खबर सबने देखी, जैसे ही स्क्रीन पर भी लगातार नजर बनाए हुए थे और चिराग पासवान ने जैसे ही शपथ लिया वैसे ही जश्न का माहौल शुरू हो गया। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया है। मुजफ्फरपुर से पहली बार जीतकर सांसद बने डॉक्टर राजभूषण निषाद के समर्थकों में खुशी की लहर है। NDA कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में जमकर आतिशबाजी की गई, कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के खूब नारे भी लगाए। बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके साथ मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद मंत्रालय में शामिल हुए हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जश्न का माहौल है, पटाखे लगा रहे हैं, लेकिन आम लोग जो है काफी उत्साहित है, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके सांसद भी मंत्री बन गए जी? बहुत बहुत बधाई पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को, बहुत बहुत बधाई कि हमारे पास बहुत दिनों के बाद जर्ज शहर के बाद एक मंत्री का पद मुजफ्फरपुर को मिला है नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, हमारे सांसद महोदय को बहुत बहुत बधाई और पूरे मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे पीएम मोदी, फिर से पीएम बन गया है मोदी जी? ये करोड़ों भारतीयों का ये उपलब्धि है, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का यह भूमिका है जो आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास से यह देश पुनः तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और यह भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय देवतुल कार्यकर्ता का योगदान है और मतदाता का योगदान है और यशस्वी प्रधानमंत्री कहेंगे इसी क्षेत्र से राजभूषण निषाद सांसद है, यही उनका घर भी पड़ता है और वो अब मंत्री बने, कितने खुश हैं आप लोग? हम तो बहुत खुश है, अब सारा जनता मुजफ्फरपुर के खुशी की लहर में भी झूम रहा है, फटाखा फोड़ रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है कि पहली बार जीतने के बाद पहला बार मंत्री बनने का सौभाग्य राजभूषण निषाद जी को मिला है। तो मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद भी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उन्होंने भी शपथ ले ली है मंत्री के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में उत्साह जो है वह दुगुना हो गया है क्योंकि एक बार फिर से पीएम मोदी जो है तीसरी बार उन्होंने शपथ ले लिया है के लिए। गुमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक लगाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आतिशबाजी की। जुलूस की अगुवाई बीजेपी मंडल कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार पंडा और किशोर साहू ने की। मुख्यमंत्री का शपथ लिए प्रधानमंत्री का तीन बार, इसके खुशी में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी का माहौल है और जश्न मना रहे हैं, पूरे भारत जश्न मना रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता का हम शुभकामना भी देते हैं और इस खुशी में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज आतिशबाजी भी कर रहे हैं और चौक में मिठाइयाँ भी। मोदी कैबिनेट में जेडीयू से ललन सिंह और रामलाल ठाकुर को मंत्री बनाया गया है, जिसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ आतिशबाजी की और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गुड्डा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने की खुशी में जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाते हुए खुशी जाहिर की। नेतृत्व में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है और भारतवासी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गरीबों की 10 वर्षों में मोदी जी ने बहुत ही सेवा की है।